हाँ जी बेटा यार, तो नेक्स्ट हेडिंग रेफ्रिजरेटर लिख लो भाई। रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यानी कि फ्रिज। तो अगली बात बेटा रेफ्रिजरेटर। यार जैसे मैंने बोला, हीट इंजन जो है, हम उसको थोड़ा उसका बेसिक सी बात पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। अब उसकी वर्किंग लेवल पर, इंजीनियरिंग लेवल पर तो हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही बेटा रेफ्रिजरेटर की भी हम बेसिक सी बात पढ़ देंगे, बहुत ज्यादा उसके ये लगा लो कि इंजीनियरिंग लेवल पर कि कैसे काम कर रहा है ऐसे नहीं घुस पाएंगे हम। उसके लिए फिर वही बात मैंने बोला, YouTube पे जाके वर्किंग और रेफ्रिजरेटर सर्च करो, कई चीजें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ पे टारगेट थोड़ी बेसिक बात बताकर, उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे आएंगे उनको कवरअप करने का है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन फिर भी चलो बताएंगे जितना हो सकता है। तो अगली बात बेटा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर करता क्या है यार? ठंडा करता है ना। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडा करता है। चलो जो ठंडा है उसको और ठंडा करता है। हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन हीट लेता है और वर्क डन करता है, और रेफ्रिजरेटर हीट को उठा उठाकर बाहर फेंकता है। मान लो अपने पास रेफ्रिजरेटर नया नया लेकर आए अभी हम, तो उसके अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। हमने उसका दरवाजा दरवाजा बंद कर ऑन कर दिया स्विच, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ना। अब वो डाउन क्यों होता जा रहा है? रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है भाई? अंदर की हीट उठा उठाकर बाहर फेंके जा रहा है। अंदर की हीट उठाकर बाहर फेंक रहा है, अंदर की हीट उठाकर बाहर फेंक रहा है। अंदर टेम्परेचर कम हो गया, मान ले रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अंदर 20 हो गया, वो 20 से भी हीट उठाकर और बाहर फेंकेगा। अंदर का टेम्परेचर 15 कर देगा। अब अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, वो फिर भी अंदर की हीट उठा उठाकर बाहर फेंक रहा। तो पॉइंट ये है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? हीट उठाकर बाहर फेंकना। जहां पर टेम्परेचर कम है वहां से भी हीट उठाकर बाहर फेंकना। लेकिन हमें पता है कि अगर ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, मैंने लिखा हाई टेम्परेचर, हाई टी लो टी, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हमें पता है यार कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही फ्लो होती है। मगर रेफ्रिजरेटर क्या करता है? जहां टेम्परेचर कम है वहां से भी उठा उठा के हीट बाहर फेंक रहा है। अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो आपके घर पे होता है उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर का टेम्परेचर मान ले यार 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वो तो भी अंदर की हीट उठा के बाहर फेंकेगा। यानी वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को फेंकेगा। लेकिन पॉइंट ये है, कैसे? हीट तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही फ्लो होती है। तो रेफ्रिजरेटर कैसे लो से हाई की ओर हीट फेंक रहा है? अब ये करने से पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा भैया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो, जीरो तला तुमने पढ़ा, ए का टेम्परेचर बी के साथ, ए का टेम्परेचर सी के साथ अगर इक्विलिब्रियम, तो बी और सी का आपस में फर्स्ट इक्विलिब्रियम में होगा, वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले जीरोथ पढ़ा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला, फिर सेकेंड पढ़ा, क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पढ़ा, पहले जीरोथ पढ़ा फिर फर्स्ट पढ़ा। फर्स्ट क्या था? वो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू वाला। अब अगली बात आ गई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला भैया, सबसे पहले जीरोथ, उसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट वाला कंसेप्ट, फिर फर्स्ट डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, अब आगे किस पे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल है, ये कहता है
हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. लास्ट में बात कर दी काम की, तो क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नॉट बी, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. मतलब लास्ट में काम की बात यह कह रहे कि अगर एक्सटर्नल वर्क कर दो तो हो भी सकता है, बिना एक्सटर्नल वर्क के आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो नहीं करवा सकते. हाई से लो अपने आप हो जाएगी, लेकिन लो टू हाई करना हो तो आप बिना वर्क के नहीं कर सकते. कहने का मतलब है वर्क के साथ कर सकते हो. तो वो जो मैं बात बोल रहा था कि जी रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसके अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो लो टेम्परेचर पर है, वो फिर भी वहां से हीट उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर है. रूम हाई टेम्परेचर पर है रेफ्रिजरेटर के अंदर के कंपैरिजन में. अंदर 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, वो फिर भी अंदर की हीट उठा उठा के बाहर फेंकेगा. अंदर 20 से 10 कर देगा, 10 से 0 कर देगा, बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी रेफ्रिजरेटर के अंदर. तो हम कह रहे थे यार ऐसा कैसे हो सकता है लो टेम्परेचर टू हाई, लेकिन यहां पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो बोल रखा है वो कहता है कि यार हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. बिल्कुल सही बोल रहा है, लो से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर नहीं हो सकती. लेकिन लास्ट में क्या बोलता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, यानी अगर एक्सटर्नल वर्क कर दोगे तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है. दैट मीन्स रेफ्रिजरेटर का फंक्शन क्या है कि वो एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की ओर हीट का ट्रांसफर करता रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को वो कूल करता रहता है. यही रेफ्रिजरेटर का बेसिक प्रिंसिपल बनेगा कि भाई एक्सटर्नल वर्क का यूज करो और लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर की ओर हीट को क्या करते रहो, ट्रांसफर करते रहो. तो एक पर्टिकुलर पोर्शन या एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कम, बहुत कम, बहुत कम किया जा सकता है. तो रेफ्रिजरेटर के अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जी एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से. देखो ये बात नेगेटिविटी की कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ली. वो तो कहता है नहीं कर सकते एक्सटर्नल वर्क के बिना, तो हमने उसको पॉजिटिव सेंस में क्या कर दिया कि कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से. ये नेगेटिव में बात कर रहा है कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. अब इसको पॉजिटिव सेंस में ले लो कि जी एक्सटर्नल वर्क अगर कर दोगे तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर भी हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है. वही रेफ्रिजरेटर में होता है. रेफ्रिजरेटर में क्या है कि एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से लो से हाई की ओर भी हीट का ट्रांसफर किया जा सकता है, या हम करेंगे. ठीक है जी. तो अगली बात, रेफ्रिजरेटर अपनी हेडिंग है, ये उससे रिलेटेड हो गया. चलो थोड़ी सी बात, कोई भी रेफ्रिजरेटर होगा उसकी जो बेसिक लेआउट होगी, लिख लो बेसिक डायग्राम, जिसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम मतलब ब्लॉक्स में ही हमने समझा देना है. तो अगर हम रेफ्रिजरेटर का यार ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ये हीट इंजन वाला ही है, कोई फर्क नहीं है. एक क्या होगा इसमें, रेफ्रिजरेटर में भी भाई एक होगा
सोर्स विच विल बी एट हाई टेम्परेचर. एक होगा जी वर्किंग सब्सटेंस और एक होगा जी सिंक. ठीक है जी, सोर्स सिंक और वर्किंग सब्सटेंस. अगर हम जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है उसकी बात करें तो जो रूम है ना रूम वो सोर्स माना जाएगा. सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है. जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का पोर्शन है उसका दरवाजा बंद कर दो, उसके अंदर जहां पे सामान रख रखा तुमने वो सिंक माना जाएगा. सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है. हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है और कुछ हीट सिंक पे फेंक देता है. सिंक का टेम्परेचर कम था. रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बाहर से कुछ वर्क करवाता है, कहता है कि भैया मेरे पे वर्क करो, सिंक से हीट उठाता है और सोर्स की ओर फेंकता है. सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर को ही बोलने है. तो रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है, ये सिंक से हीट उठाता है क्योंकि इस पे एक्सटर्नल वर्क कर देना है हमने. वर्क डन की हेल्प से सिंक से हीट उठाता है. जो सिंक से हीट उठेगी उसको हम Q2 ही बोलेंगे. भाई इंजन के केस में भी हमने सिंक वाली हीट को Q2 बोला था, वो सिंक पे गई थी, ये सिंक से उठाएगा और इसको हाई टेम्परेचर वाले रीजन में पहुंचा देगा. पहुंचाएगा कितनी, Q1 पहुंचाएगा. देख उसने 10 जाउल हीट उठाई, 10 जाउल मैंने उस पर वर्क भी तो किया, वो वर्क भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट होगा. सिंक पे कितनी लेके जाएगा, वो 20 जाउल देगा, मतलब 10 जाउल हीट वो उठाता है सिंक से. उस पर वर्क किया हमने 10 जाउल का, तो टोटल 20 हो गया ना भैया. जो वर्क किया वो भी हीट में कन्वर्ट हो गया और जो हीट सोर्स तक फेंकेगा वो कितनी फेंकेगा, Q2 प्लस W यानी 10 प्लस 10. दैट मींस कहानी यहां पर भी यही बनेगी कि Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 है. Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 है. दैट मींस हम ये कह सकते हैं हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन एक्ट एज अ रेफ्रिजरेटर. अगर हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करा दो तो क्या बन गया, रेफ्रिजरेटर बन गया. हम रेफ्रिजरेटर को इंजन वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, हम रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं भाई, हीट पंप. पंप यानी वो जो पानी उठाने वाला पंप नहीं होता, टुल्लू पंप. उसका काम क्या है, वो नीचे से पानी उठा उठाकर ऊपर फेंकता है. मान ले कि नीचे पानी स्टोर हुआ हुआ है, उसको हमने छत पे जो टंकी है वहां तक पहुंचाना है, भरना है. कई बार पानी का प्रेशर कम आ रहा होता है तो पंप लगा देते हैं, वो नीचे से ऊपर पहुंचाता रहता है. तो भाई ऊपर से नीचे तो अपने आप पानी का फ्लो हो जाता है, तभी तो टंकी ऊपर लगी होती है, टूटियां नीचे लगी होती हैं. टूटियां खोलते हो तो ऊपर से नीचे अपने आप पानी का बहाव आता है कि नहीं आता, तो ऊपर से नीचे तो पानी अपने आप आ जाना है. ठीक है, किसी एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं है भाई. लेकिन नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना हो तो टंकी भरनी हो तो पंप लगाना पड़ेगा कि नहीं, मोटर चलानी पड़ेगी कि नहीं, वो सबमर्सिबल पंप जो होता है ना, आजकल घरों में सबमर्सिबल लगता है, या किसी के सप्लाई का पानी आता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला, तो उसका प्रेशर कम होता है, तो लोगों ने घरों में क्या लगा रखे, पंप लगा रखे, टुल्लू पंप, उनसे टंकी भर लेती हैं, या फिर अपनी मोटर लगा रखी है, वो भी बेसिकली सबमर्सिबल पंप्स हैं. वो भी क्या करते हैं, जमीन के नीचे से पानी प्रेशर से मारते हैं, ऊपर टंकी भर देते हैं. तो भाई ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता, लेकिन टंकी भरने के लिए नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंपिंग करनी पड़ती है ना, एक्सटर्नल वर्क लगाकर. ऐसे ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का तो अपने आप फ्लो हो जाता, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट पहुंचानी है तो यू हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क.
अब रेफ्रिजरेटर यही है, उस पर हम वर्क करते हैं एक्सटर्नल वर्किंग सब्सटेंस की हेल्प से, वर्किंग शुरू हो जाती है और वो सिंक से यानी लो टेम्परेचर से हीट उठा उठा कर हाई टेम्परेचर की ओर फेंक रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं अ रेफ्रिजरेटर एक्ट्स एज अ हीट पंप, इसको हम हीट पंप भी कह सकते हैं या कह लो हीट पंप भी कह देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर बेसिकली हीट पंप ही है। अब थोड़ी अगली बात सुन, अगर मैं बात करूं इसका कंपैरिजन करूं जो आपके किचन में या लॉबी में फ्रिज पड़ा हो उसके साथ रेफ्रिजरेटर के साथ, तो बेटा ये पूरा से सिस्टम है रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो रीजन है, मैं बार बार बोल रहा हूं रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो रीजन है दैट इज सिंक विच इज एट लो टेम्परेचर। ठीक है, सिंक एट लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, लो टेम्परेचर T2 बोल रहे हैं हमने, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो पोर्शन है वो है सिंक मेरे भाई, क्योंकि लो टेम्परेचर पर है, पहले ही लो पे है। जो रूम है यानी रेफ्रिजरेटर जिस रूम में पड़ा हुआ है आसपास, वो सोर्स है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर है। ठीक है जी, फिर आ गया वर्क डन। वर्क डन कैसे होगा या रेफ्रिजरेटर में ना, रेफ्रिजरेटर का मेन कंपोनेंट होता है उसका कंप्रेसर। ठीक है, पीछे लगाता है उसको कंप्रेसर बोलते हैं, जैसे एसी में भी कंप्रेसर होता है, इसमें भी कंप्रेसर होगा। ओके, कंप्रेसर वर्क करेगा इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेकर। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसको, कंप्रेसर ने वर्क करना है। ओके, वर्क कर दिया। अच्छा, वर्किंग सब्सटेंस क्या है? रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने सुना होगा कि गैस होती है, उसमें ना पाइप्स चल रही होती हैं, जहां पे फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर में ऐसे ऐसे करके ना पाइप्स चल रही होती हैं। कभी फ्रीजर को डीफ्रीज किया हो तो वहां पे पाइप्स ही दिखती भी हैं। ओके, उसके अंदर गैस होती है, फ्रियोन गैस कई तरह की होती है, मेनली फ्रियोन गैस चलती है, तो उसके अंदर गैस होती है। वो गैस जो है वो वर्किंग सब्सटेंस है। आपने सुना होगा कि एसी की भी गैस कई बार लीक हो जाती है, एसी में भी यही कहानी है, उसमें भी वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वो गैस ही है। फिलहाल हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी पूरी की पूरी पाइप्स होती हैं बेटा, ऐसे करके पाइप्स चलती रहती हैं, वो जो पीछे का जो बैक पोर्शन होता है वहां तक भी पहुंचती है, अंदर से हीट उठाकर वो पाइप्स के थ्रू गैस चलती है, बाहर आती है, बाहर हीट रिलीज करती हैं। ठीक है, अब मैंने बोला उस एंगल से, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा उस एंगल से भी बताऊंगा, फिलहाल मैं ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं। तो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का रीजन है दैट इज सिंक, कंप्रेसर ने वर्क करना है, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लेनी है, उसने वर्क करना है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वो गैस है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर पाइप चलती है उसके अंदर है। ठीक है, हमने वर्क किया यानी कंप्रेसर ने वर्क किया, कंप्रेस किया, ये गैस सर्कुलेट होती रहेगी उन पाइप्स में, ये इसके अंदर वाले रीजन से यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, पीछे जाएगी, बाहर क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। और मैंने बोला है हीट रिलीज कितनी होगी, W+Q2। कहानी अब भी वही बनेगी कि वर्क डन इज इक्वल टू Q1 - Q2 है, स्टोरी अब भी यही बननी है, चाहे ये हीट इंजन हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, बात तो यही बन रही है, बस इनके मीनिंग अलग है। यहां पे Q2 क्या है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक एट लो टेम्परेचर। Q1 क्या है बेटा, जी हीट रिलीज एट सोर्स एट हाई टेम्परेचर, और W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है
जो वर्क किया है, एक्सटर्नल वर्क डन है, ये इसने नहीं किया, इंजन होता तो इसने वर्क करना था। तो ये कहानी है, बस जितने मर्जी खींचते रहो। अब अगली बात आती है जो दैट इज इट्स एफिशिएंसी। जैसे इंजन की क्या कैलकुलेट की बेटा आपने, एफिशिएंसी कैलकुलेट की, वैसे ही रेफ्रिजरेटर की भी एफिशिएंसी होनी चाहिए कुछ। लेकिन इसकी हम एफिशिएंसी नहीं, इसकी एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं बेटा जी? कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी वाली बात ही होगी, लेकिन इसको हम कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस कह देंगे। ठीक है, एफिशिएंसी जैसी ही चीज है, लेकिन नाम क्या यूज होता है, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यह रेफ्रिजरेटर के लिए हमने डिफाइन करना होता है इसका कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस को किससे डिनोट करेंगे? बीटा से। ठीक है, जैसे एफिशिएंसी होती है ना बेटा, आउटपुट ओवर इनपुट, ये भी आउटपुट ओवर इनपुट ही है। अब अगर मैं इंजन की एफिशिएंसी लिखता हूं तो उसकी आउटपुट ओवर इनपुट, बेटा इंजन का काम क्या था? वर्क करना। तो उसकी आउटपुट क्या थी? वर्क कितना किया। और इनपुट क्या थी? कितनी हीट हमने दी, ये इनपुट है, और उसने कितना वर्क किया, ये आउटपुट है। अब आप रेफ्रिजरेटर की बात करो तो बेसिकली इसका कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी इसकी आउटपुट ओवर इनपुट है। लेकिन रेफ्रिजरेटर काम क्या कर रहा है? हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, सोचो। तो इसका कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा हीट एक्सट्रैक्टेड। इसका काम हीट एक्सट्रैक्ट करना था, हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय इसकी इनपुट। ये इसकी आउटपुट है ना, इसकी इनपुट। इसकी इनपुट क्या है? वर्क डन। इसने नहीं किया, हमने किया था वर्क डन। तो इस पे जो वर्क डन किया, ये इसकी इनपुट है, देख, ये इसकी आउटपुट है कि इसने हीट उठाई कितनी। तो कहने का मतलब जो बीटा है वो क्या आना चाहिए? हीट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कितनी की? Q2। वर्क डन हुआ W, इसको मैं Q2 के नीचे 1 माइनस Q2 बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1 नहीं सॉरी Q1 माइनस Q2। वर्क डन किसके इक्वल था? Q1 माइनस Q2, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो गया यार कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। थोड़ी सी बात और रह गई है, कर ही लें यार थोड़ा सा, बस 5 से 10 मिनट में हम लेक्चर क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, समझ लो। 5 से 10 मिनट में हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स ही क्लोज करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स ही खत्म हो जाएगी भाई। ओके, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। क्या बोला बेटा हमने? कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके इक्वल आ गया? बीटा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। चाहे ऐसे रख लो इसको, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख, बीटा इज इक्वल टू Q2 बाय Q1 1 माइनस Q2 बाय Q1। ध्यान देना, बोथ साइड सॉरी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने Q1 से डिवाइड कर दिया, ऊपर Q2 बाय Q1 हो गया, नीचे Q1 के नीचे Q1 आया था वो कट गया, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 हो गया। ओके, ये आ गया कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगली बात सुनो ध्यान से, ये इंजन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, तो इसका ये कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन अगर भाई इंजन को तुम कार्नोट साइकिल फॉलो करवा सकते हो, तो रेफ्रिजरेटर को भी तो कार्नोट साइकिल फॉलो करवा सकते हैं कि नहीं? तो इसके नीचे नोट डालना और नोट डाल के लिखना, इफ रेफ्रिजरेटर फॉलोज कार्नोट साइकिल। अब सीधा उल्टा, कार्नोट साइकिल तो लग ही जाएगा ना,
वही आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो लिख ले भाई, इफ रेफ्रिजरेटर फॉलोज, नोट डाल के लिखना, इफ रेफ्रिजरेटर फॉलोज कार्नोट्स साइकिल, अगर रेफ्रिजरेटर क्या फॉलो कर ले, कार्नोट्स साइकिल फॉलो कर ले, तो क्या लिखा जा सकता है, याद करना कार्नोट साइकिल में, नोट डाल के तुमने लिखा इफ रेफ्रिजरेटर फॉलोज कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल में याद करो Q2 बाय Q1 जहां पर था उसमें तुमने उसकी वैल्यू वगैरह पुट की, ये कट कटाकर T2 बाय T1 आ गया था, याद करो, आपने डायरेक्ट लिख देना खैर यहां पर तो, लेकिन तुम तो याद करो ना कि Q2 बाय Q1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 माइनस Q2 बाय Q1 था ना एफिशिएंसी, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 कर कराकर अंत में 1 माइनस T2 बाय T1 आया था ना, तो Q2 बाय Q1 शुड बी इक्वल टू T2 बाय T1, देयरफॉर अगर ये कार्नोट साइकिल फॉलो कर लेता है रेफ्रिजरेटर, तो इसकी बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी, ऊपर क्या आएगा, Q2 बाय Q1 की जगह T2 बाय T1, यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1, ओके, ये भी रिजल्ट है फिर कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का, ठीक है। अब यहीं पे लिख लेना रिलेशन बिटवीन, ये भी अगला पॉइंट ही है इसका, लिखते चले जाओ बस, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, बीटा क्या है, कॉफिशिएंट परफॉर्मेंस है अगर कार्नोट साइकिल फॉलो करे, ईटा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है अगर कार्नोट साइकिल फॉलो करे, तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, बीटा कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, और ईटा क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट्स हीट इंजन। बीटा की वैल्यू तो लिखी हुई है ना, कि जो ईटा होता है वो 1 माइनस T2 बाय T1 होता है, यानी जो T2 बाय T1 होता है वो 1 माइनस ईटा होता है, ये देख T2 बाय T1 इधर आ गया, ईटा उधर चले गया, तो यहां से क्या बना, T2 बाय T1 इधर आके पॉजिटिव हो गया, वो 1 माइनस ईटा हो गया, ईटा की वैल्यू 1 से कम होगी, ओके, देयरफॉर जो बीटा है ऊपर क्या है, T2 बाय T1, T2 बाय T1 कितना निकाला हमने, 1 माइनस ईटा, नीचे देखो 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1 तो किसके इक्वल आ जाएगा, ईटा, तो ये इनके बीच में संबंध बन गया, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाय ईटा, कभी कभी वो ईटा देगा बीटा निकालना होगा, कभी कभी बीटा देगा ईटा निकालना होगा, तो ये चलता रहेगा, तो इट वॉज संबंध बिटवीन बीटा एंड ईटा, तो इट वॉज रेफ्रिजरेटर, कार्नोट भी हमने बाद में साथ में बात लगा दी, ओके। अब बेटा अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से देखूं, फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से देखूं, तुमने सारी बातें कवरअप कर दी हैं, सारी बातें कवरअप कर दी हैं, लेकिन अब ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स को देख लो, बीच में केमिस्ट्री वेमिस्ट्री सब घुसा दो, तो भी कई टर्म्स और आ जाएंगी, जैसे एक आती है एंथैल्पी आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी, अब वो बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होंगी, वो वहां से करो, या फिर जब हमें न्यूमेरिकल चल रहे होंगे अपने, बीच में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें फिर हम कवरअप साथ के साथ आपके करा देंगे,
ठीक है जी, वो चीजें साथ के साथ कवर अप कराएंगे, यहां पे अब उनको टॉपिक वाइज लेने लग जाएंगे, तो फिर वही बात, काम लंबा खिंच जाएगा। हमने सिलेबस वाइज इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, 5-6 लेक्चर इसके फिर भी लग ही गए, तो सिलेबस वाइज हमारी तरफ से क्लोज है। हमने अपने एंगल से कराना था इसको थर्मोडायनेमिक्स को, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी आपने कुछ बातें, खैर जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे वहां पे कुछ नहीं देखना हमने कि फिजिक्स का है केमिस्ट्री का है, वहां पे अब जो भी आएंगे असाइनमेंट्स आपकी, वहां पर अगर किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ेगी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब चीजों की, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, इन चीजों की अगर जरूरत पड़ेगी तो साथ के साथ आपको कवर अप करा दिया जाएगा। तो फिलहाल यही पे हम क्लोज कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स आपकी क्लोज हो गई। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, 2 या 3 लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लगेंगे अपने, तो KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कवर अप करा देंगे। उसके बाद फिर मान के चलेंगे कि सिलेबस बस खत्म होने वाला ही है, वेव्स एंड ऑसिलेशन ही रह जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, न्यूमेरिकल करते रहो, मिलते हैं ब्रेक के बाद।